हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थॉरो स्टडीज। आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पार्ट 8 सी है। इससे पहले के पार्ट बी में हमने इन्फिनिटिव्स को डिस्कस किया था। आज के पार्ट में हम पार्टिसिपल्स और जेरंड को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है और बीच में इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ ज्योति। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ना, ये भी देखिए आप कि नॉन इन्फिनिटिव वर्ब का ही एक पार्ट है। ये हमने देखा था कि नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, जेरंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। तो उसके सेम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पार्टिसिपल्स में भी होंगे। मतलब कि ना तो टेंस से पार्टिसिपल को कोई फ़र्क पड़ता है, टेंस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, पार्टिसिपल की जो वर्ब की फॉर्म है वो सेम ही रहेगी सब टेंसेज में, ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल काम क्या करता है। पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। और ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तीन तरह से होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन उस हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे हम ये एग्जाम्पल देखो, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसमें क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है इसमें। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बन, ये जो कैरिंग है ना, इसमें कैरिंग कैरिंग ये क्या है, इसमें ये पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव मतलब गर्ल को क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि उस लड़की के पास क्या था, उसके पास बास्केट थी फुल ऑफ वेजिटेबल्स, वो क्या कैरी किए हुए थी बास्केट को, ठीक है। तो कैरिंग क्या हो गया है, तो ये वर्ब अगर देखा जाए, लेकिन ये गर्ल को क्वालिफाई कर रही है तो ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल में ये समझ में आया होगा कि पार्टिसिपल कैसे हमारे नाउन्स को क्वालिफाई करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिस एंड इन आई एन जी। पार्टिसिपल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब के साथ हम आई एन जी को ऐड कर देंगे तो हमारी कौन सी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, द ओल्ड वुमेन थिंकिंग ऑल वॉज सेफ अटेम्प्टेड टू क्रॉस द रोड। अगर हम ये चीज़ को छोड़ें अभी तो क्या होगा, सीधा सा टेंस हमारा द ओल्ड वुमेन अटेम्प्टेड टू क्रॉस द रोड। तो इसमें क्या पता चला कि जो बूढ़ी औरत थी उसने रोड को क्रॉस करने की कोशिश की है ना, लेकिन इससे हमें क्या हुआ, थिंकिंग ऑल वॉज सेफ। थिंकिंग तो एक वर्ब है ना, कि उसकी एक क्रिया है कि उसने सोचा कि मैं हाँ कि सब कुछ सही रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन थिंकिंग वुमेन को भी तो क्वालिफाई कर रहा है ना कि उसने ऐसा सोचा। तो ये क्या हुआ, हमारा पार्टिसिपल हुआ, ना कि ये वर्ब हुआ। तो ये दिखने में तो ऐसा बिल्कुल वर्ब लग रहा है कि थिंकिंग सोचना, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो हमारी ओल्ड वीमेन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसने ये सोचते हुए रोड को क्रॉस किया कि सब कुछ सेफ रहेगा। तो ओल्ड वीमेन की क्या कर रही है, क्वालिटी बता रहा है। तो नेक्स्ट है जैसे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म कैसे बनती है, वी थ्री। जब हम वर्ब की फॉर्म में हम वी थ्री फॉर्म, जब वर्ब की हम वी थ्री फॉर्म का यूज़ करेंगे ना, तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। मतलब आप उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा कि जैसे पास्ट जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं हमारे, उनमें भी तो वी थ्री की फॉर्म होती है, लेकिन वो वी थ्री की फॉर्म एज अ वर्ब एक्ट करती है, ना कि एज अ एडजेक्टिव। लेकिन ये जितने भी पार्टिसिपल्स में पार्टिसिपल्स हैं, इनमें वर्ब की जो भी फॉर्म होगी ये एडजेक्टिव की तरह, ये हमारे नाउन्स की, हमारे सब्जेक्ट की विशेषता बताएगी, उसको क्वालिफाई करेगी, ना कि एज अ वर्ब यूज होगी। यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज होगी। तो ये यूजली एंड्स करते हैं ई डी डी टी ई एन या फिर एन में एंड करते हैं। तो ये फॉर्मेशन तो इनकी हमने देखी ली कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, वी सॉ ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स। तो हमने क्या देखा, ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब। तो वो हमने देखा कि अगर हम इसको कर दें, इग्नोर करें, वी सॉ ट्रीज विद फ्रूट्स, तो ये भी तो सिंपल होता है कि हमने फलों के साथ ना ट्रीज को देखा था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो भरे हुए थे, लेडन थे विद फ्रूट्स ट्रीज को। तो ये लेडन ने क्या किया, ट्रीज को क्या कर दिया, क्वालिफाई किया। तो इसलिए ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल डिनोट किसको करता है,
एक कंप्लीट एक्शन है या फिर कंप्लीट स्टेट को डिनोट करता है कि उस समय ऐसा था। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वे विल मूव टू परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करता है, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो क्या था कि पास्ट में कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका था। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हैविंग प्लस V3। हैव की हम फॉर्म बना देते हैं हैविंग, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें, V3। तो ये क्या बन जाता है, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल में है, हैविंग रेस्टेड, ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रेस्टेड फॉर अ वाइल वी कंटिन्यूड ऑन आर जर्नी। तो हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा थोड़े समय रेस्ट करने के बाद। मतलब कि ये जो हमने थोड़ा टाइम रेस्ट किया, ये पास्ट में क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था एक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन कैसे होती है, हैविंग प्लस B3 होगी। और ये आपको उससे मत कंफ्यूज करिएगा टेंसेस से, क्योंकि वहाँ पे वो वर्ब होती है लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो ये देखिए आप, ये नीचे जो मैंने लिखा है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। मैंने एक बर्न की फॉर्म को चेंज करके दिखाया हुआ, जैसे प्रेजेंट क्या हो गया बर्न, पास्ट क्या हो जाएगा इसका बर्न, लेकिन ये क्या होगी, एक वर्ब है, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होगी, बर्न है, लेकिन ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे हम इसको। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, बर्निंग। तो आप ये भी तो कह हो सकता है ना कि कॉन्टिन्यूस में भी तो बर्निंग ही होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस में जो बर्निंग होगा वो एज अ वर्ब होगा, लेकिन पार्टिसिपल में एज अ एडजेक्टिव हम इसको यूज करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हैविंग बर्न। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल में यूज करके बताऊं, तो जैसे वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग। तो ये देखिए हमें क्या मिली, एक कैंडल मिली, लेकिन कैसी कैंडल मिली, जलती हुई कैंडल मिली, बर्निंग मतलब। तो ये क्या हो गया, बर्निंग ने कैंडल को क्वालिफाई नहीं किया क्या, तो यहाँ पे ये इसकी वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो बर्निंग है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो ये वर्ब की फॉर्म, लेकिन इसको यूज कैसे कर रहे हैं, हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज ना होके यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, जो कैंडल को क्वालिफाई कर रही है कि बी फाउंड अ कैंडल बर्निंग। बर्निंग कैंडल, हमें एक जलती हुई कैंडल हमें मिली है, वरना कोई सीधा तो कह सकता है ना कि हमें कैंडल मिली, लेकिन वो जल रही थी, वो बुझी हुई थी, वो आधी थी, वो छोटी थी, वो कैसी थी, है ना। तो इसी तरह से बर्निंग ने कैंडल को क्वालिफाई किया कि वो जलती हुई कैंडल थी। तो अगर हम इसको और यूज करके देखें, है ना, तो जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं इसका, है ना, जैसे बर्नट, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल में बर्नट ही होगी इसकी फॉर्म, अ बर्नट कैंडल वॉज फाउंड, ये होगी इसकी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म, कि जली हुई कैंडल है, ये कैंडल ही नहीं है, कैंडल है ना, कैंडल जो है वो हमें मिली, अ बर्न कैंडल वॉज फाउंड। तो ये किसमें फॉर्म होगी इसकी, पास्ट पार्टिसिपल में। तो बर्नट ये क्या है, हमारी वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है किसका, कैंडल का। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। और अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे हमने वैसे तो यूज़ किया भी था, लेकिन इसको एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे जैसे अ बर्निंग कैंडल भी तो कहा जा सकता है ना, बर्निंग कैंडल वॉज फाउंड, या फिर बर्निंग का हम बर्न भी कह दें, बर्न कैंडल, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, ये बर्निंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर बर्निंग की जगह हमने बर्न यूज़ किया तो पास्ट पार्टिसिपल इसका बन जाएगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अब हम पार्टिसिपल का एक और केस डिस्कस करेंगे, मिसलेटेड पार्टिसिपल्स। मिसलेटेड पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो पार्टिसिप जब पार्टिसिपल के साथ उसका सब्जेक्ट उसका फॉलो नहीं होगा ना,
एक सेकेंड, जब कभी भी जो पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल के साथ जो उसका फ्रेज, जो पूरा उसकी सेंटेंस है उसके साथ उसका सब्जेक्ट नहीं फॉलो होगा तो वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। और ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, मिसलेटेड पार्टिसिपल्स कहा जाता है। आप ये एग्जाम्पल देखिए, वंडरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, सुनने में तो ये लगता है कि सही है लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये इसकी सही फॉर्म नहीं होगी। तो इसकी सही फॉर्म क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, तो क्या डॉग था इसका सब्जेक्ट? नो, डॉग तो नहीं वहां पे घूम रहा था ना, घूम तो कोई व्यक्ति की बात है, क्योंकि जब वो वहां पे स्ट्रीट में जा रहा था तो एक कुत्ते ने उसको काट लिया, ना कि कुत्ते को उसने काटा, है ना। तो इसका तो मीनिंग उल्टा ही बन गया, क्योंकि इसमें तो डॉग को उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो इसमें हमें उस व्यक्ति को उसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, मिसलेटेड पार्टिसिपल की एग्जाम्पल है। तो सही क्या होगा, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बिटन बाई अ डॉग, या तो ऐसे लिखो। ये तीन फॉर्म्स हैं इनकी जिनमें जिनमें ये सही किया जा सकता है ना। दूसरी कौन सी बनेगी, वाइल, या तो वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बिटन बाई अ डॉग, वाइल ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम। तो ये तीन फॉर्म में से कोई भी यूज करोगे तो करेक्ट होगी, लेकिन अगर डॉग को ही इसका सब्जेक्ट बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वॉन्डरिंग क्या है इसमें हमारा, पार्टिसिपल है ना। तो ये पूरा जो पार्टिसिपल का क्लॉज है, इट शुड बी फॉलोड बाय इट्स सब्जेक्ट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है ना। तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए ये वाली है ना, ये बींग क्लाउडी वी इंजॉयड पिकनिक, ये क्या है हमारा, गलत है सेंटेंस। तो क्या होगा सही, एज इट वॉज क्लाउडी वी इंजॉयड पिकनिक वाला हमारा सही होगा। तो बींग, ये बींग क्या होगा हमारा, पार्टिसिपल। तो ये क्या होगा पूरा इसका, बींग क्लाउडी वाला क्या होगा इसका, पूरा इसका क्लॉज हो गया है ना। तो हमने इसमें सही नहीं यूज किया इसका ऑब्जेक्ट, हम सॉरी सब्जेक्ट हमने इसका सही नहीं रखा, तो ये क्या हमारा गलत है। तो सही ये वाला होगा, एज इट वॉज क्लाउड वी इंजॉयड पिकनिक, या फिर इट बींग क्लाउडी वी वी इंजॉयड पिकनिक, ये वाले इसके सही होंगे। तो ये मिसलेटेड पार्टिसिपल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि कई बार एक ही, जैसे ये सेंटेंस है ना, एक ही सेंटेंस की हमें तीन चार फॉर्म लिख के दे देंगे और बाद में कहेंगे कि इनमें से सही चूज करो। तो देखने में तो ये भी हमें सही ही लग रहा है लेकिन सही नहीं है, सही या तो ये फॉर्म होगी या ये वाली फॉर्म होगी। ये क्या होते हैं, मिसलेटेड पार्टिसिपल है, यानी कि जब पार्टिसिपल क्लॉज के साथ हमें उसका ही सब्जेक्ट लगाना चाहिए उसके बाद, ना कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई दूसरी कोई चीज़ है ना। तो जिसकी बात हो रही होगी हमें उसको ही पार्टिसिपल के साथ लगाना होगा, क्योंकि पार्टिसिपल उसी चीज़ को तो क्वालिफाई करेगा, वो अपने सब्जेक्ट का ही तो एडजेक्टिव होगा ना, उसके सब्जेक्ट की जगह हम और किसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, तो सब्जेक्ट क्या था, तो वो व्यक्ति था, तो हम उस व्यक्ति की जगह डॉग को कैसे कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है जो वहां पे था। तो इसलिए हमें इसके बाद हमें इसका सब्जेक्ट, सही सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ही। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू आर जेरेंट्स। जेरेंट्स होते क्या हैं, जेरेंट्स क्या होती है, वैसे नॉन फिनाइट वर्ब्स का ही एक फॉर्म है जेरेंट्स। जेरेंट्स की फॉर्मेशन क्या, कैसे होती है, कि जो बेस फॉर्म है वर्ब की, बेस फॉर्म बी वन के साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाता है हमारा, जेरेंड्स बन जाते हैं। तो अब तो ये बात आती है ना कि जो हमने जैसे अभी पढ़ा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी तो आईएनजी होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि जो जेरेंड होंगे वो एक्ट करेंगे एज नाउन, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं वो एक्ट करेंगे एज एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे और ये नाउन की तरह यूज होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक और बात आती है कि जो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं ना, उनमें भी तो आईएनजी फॉर्म लगी होती है वर्ब के साथ, तो उनमें और जेरेंड्स में क्या डिफरेंस है। तो
तो अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, या फिर जैसे कोई क्लासेस लेते हैं ना, तो क्लास ले लो। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग तो हमारी वर्ब हो गई, तो क्या इसका फिर क्या मतलब बन रहा है? उन्होंने तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया कि तुम ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ड्राइव यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं यूज हो रहा, एज अ नाउन यूज हो रहा है। कि पूरा एक ही नाउन है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला, किस चीज़ का? ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये हमारा नाउन है, ना कि हमारी वर्ब है। आई होप कि आपको जेरंड्स का पता चला होगा कि जेरंड्स एज अ नाउन यूज होते हैं। इसके बिना भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग तो वर्ब होती है, लेकिन अगर तो ये क्या है, ये हमारा जेरंड है, ये वर्ब नहीं है, ये जेरंड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ब की फॉर्म है ये एज अ नाउन यूज हो रही है, स्विमिंग पूल। ऐसे ही अगर आप कहते हो है ना रनिंग शूज, रनिंग शूज, तो ये भी क्या है? नाउन है। ये हमें बता रहा है कि कौन से शूज हैं, ये रनिंग शूज हैं, तो ये उस शूज का नाम बताया उसने कि रनिंग शूज हैं। तो यहाँ पे जो रनिंग है, ये जो वर्ब की फॉर्म है, इसको हम एज अ वर्ब नहीं यूज कर रहे, इसको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? जेरंड्स हुए। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हुए होंगे कि जेरंड्स का यूज हम वर्ब की तरह नहीं करते, दे एक्ट एज अ नाउन। तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि पार्टिसिपल्स दे एक्ट एज अ एडजेक्टिव, और जो हमारे जेरंड्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ नाउन। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो हम अब कुछ यूजेस देख लेते हैं ना, जैसे दे जो जेरंड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट भी। जैसे फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस, मुझे क्या नर्वस बनाता है? फ्लाइंग बनाता है। तो ये कि फ्लाइंग क्या हुई यहाँ पे, हम ये वर्ब नहीं है, ये जेरंड है, क्योंकि ये नाम है किसी चीज़ का कि मुझे ये चीज़ नर्वस बना रही है। तो हमें इसको फ्लाइंग बर्ड्स है ना, हमें ऐसे इसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर रहे कि जैसे हम कहते हैं कि पंछी उड़ रहे हैं है ना, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो वहाँ पर तो वो वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर हम उसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं जेरंड्स को। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट है कि जो प्रपोजिशंस होती हैं उनके बाद हमेशा जेरंड फॉर्म लगती है। जैसे ये देखिए, प्रपोजिशंस का मैंने डिस्कस किया था लास्ट कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं। प्रपोजिशंस बेसिकली हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे, प्रपोजिशंस क्या होती हैं, जो एक सेंटेंस वर्ड्स का बना होता है तो उनमें आपस में रिलेशन क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, नाउन का नाउन प्रोनाउन, इन सब का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उसको शो करती हैं प्रपोजिशंस। और जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को, चाहे वो क्लाउजेस को एक सेंटेंस के जोड़ती हैं, तो वो होती हैं हमारी कंजक्शंस। रिलेशन शो करेंगी प्रपोजिशंस, क्लाउजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगी कंजक्शंस। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो, कैन यू स्नीज विदाउट ओपनिंग योर माउथ, तो विदाउट क्या है? हमारा प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी हमारी? जेरंड लगेंगे, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म। तो ओपन क्या हो गया? हमारी वर्ब, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया, तो बन गया हमारा जेरंड ओपनिंग। तो ऐसे ही है, इन स्पाइट ऑफ मिसिंग द ट्रेन वी अराइव्ड ऑन टाइम, तो ऑफ के बाद क्या लगा हमारा? मिसिंग। यानी कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा हमारा जेरंड फॉर्म ही लगेगा। तो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब बनती कैसे ही मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अबव होगी, उसके बाद प्रपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है ना, ये चीज़ जब वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं। तो फ्रेजल वर्ब के बाद भी हमारी प्रपोजिशन ही लगती है ना। तो जैसे व्हेन विल यू गिव अप स्मोकिंग, तो गिव अप क्या हुआ? हमारा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, तो हमने इसके साथ कौन से क्या लगाया? जेरंड फॉर्म लगाया, यानी कि आई एन जी फॉर्म लगाया। तो ही कैप्ट ऑन, कैप्ट ऑन क्या है? हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो आस्क, इसलिए हमने आस्क का क्या बनाया? आस्किंग बनाया। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रपोजिशंस के बाद हमेशा जेरंड फॉर्म लगती है ना। तो कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे टू लुक फॉरवर्ड टू, टू टेक टू, टू बी एक सेकेंड में आपको और एक एक्सटम्ड टू,
टू गेट अराउंड टू, टू ओइंग टू, गिवन टू, ये क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है। इनके साथ जो टू यूज़ हुआ है ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये प्रपोजिशन है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आइडेंटिफाई करना हो कि ये प्रपोजिशन है या इन्फिनिटिव वाला टू है, तो हम सीधा सा यूज़ कर सकते हैं कि आप जो भी इनके बाद इट लगा के देख लो, अगर इट लगने के बाद कोई हमारा लॉजिकल बन रहा है सेंटेंस, तब तो ये प्रपोजिशन है, अदरवाइज ये टू इन्फिनिटिव वाला टू है ना। जैसे ये है ना, मैंने जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, आई लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू क्या था हमारा, ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद हमने इट लगाया, तो ये क्या होगा, पूरा लॉजिकल सेंटेंस बन रहा है। यानी कि जो ये टू है ये इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है, ये क्या है, प्रपोजिशन वाला टू है। तो यानी कि आगे हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम यूज्ड टू के बाद हमने इट लगाया कि हाँ मुझे इसकी आदत है, तो ये भी हमारा सेंसफुल सब्जेक्ट, ये सेंटेंस बना। तो यानी कि ये भी जो टू है ये इन्फिनिटिव वाला टू नहीं है, ये प्रपोजिशन वाला टू है। तो जैसे हमने आगे इसका सेंटेंस बनाया है ना, आई एम यूज्ड टू वेटिंग फॉर बसेस, तो ये टू क्या था, प्रपोजिशन वाला टू था। तो इसके बाद हम जेरंड फॉर्म लगाएं, यानी कि वर्ब प्लस ing की फॉर्म हम लगाएंगे। तो ये जैसे एक थर्ड एग्जांपल है ना, शी डिडंट रियली टेक टू इट, तो ये हमने इट लगाया तो हमारा लॉजिकल सेंटेंस बना, यानी कि जो टू है ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की ing फॉर्म। और कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके पीछे भी हम ये जेरंड फॉर्म यूज़ करते हैं, कौन कौन से, जैसे कांट हेल्प, कांट स्टैंड, टू बी वर्स, इट्स नो यूज़। तो ये चार, तीन चार हैं एक्सप्रेशन जिनके बाद हम प्रेप जेरंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ के यूज़ करेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल है, इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू एस्केप। तो आई होप कि आपको जेरंड्स का कंसेप्ट और पार्टिसिपल का कंसेप्ट कुछ तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको शायद थोड़ा इजी होगा समझने में, अगर आप कुछ नए ये लेक्चर सुना होगा। तो अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कि हमने क्या पढ़ा है ना, ताकि थोड़ा हमें दिमाग में शायद जो पॉइंट पहले ना क्लियर हुआ हो अब क्लियर हो जाए, या अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो हमने स्टार्ट किया था विद पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के साथ हमने था जो स्टार्ट किया था, पार्टिसिपल्स के साथ स्टार्ट किया था। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं उनके ही तीन पार्ट्स हैं, पार्टिसिपल्स, जेरंड्स और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे बनता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होगी तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाएंगे। जेरंड वर्ब की बेस फॉर्म होगी तो उसके साथ हम आई एन जी लगा देंगे तो हमारी जेरंड फॉर्म बन जाएगी, और पार्टिसिपल हो जाएगा जब वी की थ्री फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम हमारे पार्टिसिपल्स बन जाएंगे। पार्टिसिपल एक्ट एज एडजेक्टिव और ये जेरंड एक्ट एज नाउन, और ये क्या एक्ट करते हैं, एज एडजेक्टिव एडवर्ब भी ये एक्ट करते हैं, है ना। तो ये आपको इनका क्लियर हुआ होगा कि कौन सा क्या एक्ट करता है। तो जो नॉन इन्फिनिटिव वर्ब्स के सारे करेक्टरिस्टिक्स थे वो तो इनमें होंगे ही होंगे। तो हम पार्टिसिपल को दोबारा देख लेते हैं कि एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव, और ये तीन तरह के होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा जो शो करेगा कोई एक्शन जो चल रहा है या कुछ इनकम्प्लीट सा था, तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगा देंगे। पास्ट पार्टिसिपल होंगे जो कम्प्लीट एक्शन को शो करेंगे, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल था वो शो करेगा कि पास्ट में जो था वो एक्शन था वो कंप्लीट हुआ था। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैविंग प्लस वी थ्री। तो आप ये याद कर सकते हो, जैसे बर्न, बर्नड, बर्नड, बर्निंग, हैविंग बर्नड, तो इनसे आपको याद करने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट हमने मिसलेटेड पार्टिसिपल पढ़े थे, कपड़े, क्या था इनमें कि जो पार्टिसिपल का पूरा क्लॉज है उसके साथ हमें उसका सब्जेक्ट लगाना होगा, अगर वो सब्जेक्ट उसका नहीं होगा तो उनको हम मिसलेटेड पार्टिसिपल्स कहेंगे। हमने एग्जाम्पल देखी थी, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, अ डॉग बाइट हिम, तो वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट का सब्जेक्ट डॉग नहीं है, वो व्यक्ति है, तो इसके लिए हमें अ डॉग को रिप्लेस करना पड़ेगा ही से। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, ही वॉज बिटन बाई अ डॉग, या फिर हम ये तीन फॉर्म में हमें इसको सही कर सकते हैं, जो पहली वाला है वो गलत है। वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, ही वॉज बिटन बाई अ डॉग भी सही है, वाइल ही वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, ये तीन करेक्ट हैं, पहली वाली गलत होगी, क्योंकि इनके साथ वॉन्डरिंग के साथ हमने क्या किया कि अ डॉग को उसका सब्जेक्ट बना दिया, बल्कि डॉग उसका सब्जेक्ट नहीं है, वो व्यक्ति उसका
सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल ये वाली ली थी, बीइंग क्लाउड वी एंजॉयड पिकनिक, है ना। तो उसके बाद हमने जेरंड्स देखे थे। जेरंड्स क्या होते हैं, एक्ट एज अ नाउन, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, रनिंग शूज हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रीडिंग हो गया, है ना, रीडिंग हैबिट्स होगी, तो वो भी हमारी आदतों का नाम ही है ना, रीडिंग हैबिट्स। तो जेरंड एक्ट एज नाउन। और हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड्स और जो हमारे कॉन्टिन्यू टेंसेस होते हैं उनमें भी डिफरेंस देखा है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे वो तो एक्ट करेंगे एज एडजेक्टिव, लेकिन जो जेरंड्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ नाउन, और जो हमारे बाकी कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं वो क्या होंगे, वो वर्ब्स होंगी, ना कि ना वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगी ना ही वो नाउन होंगी, वो वर्ब होंगी। तो हमने देखा था कि एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट भी कर सकता है एक्ट, है ना। और जो प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद हमेशा जेरंड फॉर्म में यूज़ होगी, और फ्रेजल वर्ब में भी जब टू का हम प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया जाएगा तब भी हमारे उसके बाद जेरंड फॉर्म ही होगी। तो ये भी हमने देखा है कि जो ये फ्रेजल वर्ब है जिनके बाद टू लगता है तो उनकी उनमें ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि जो टू है वो इन्फिनिटी वाला टू है या प्रेपोजिशन वाला टू है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो फ्रेजल वर्ब के बाद आप इट लगा के देख लो कि अगर सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है तब तो वो प्रेपोजिशन है, अदरवाइज वो इन्फिनिटिव वाला टू है। तो फिर जो ऐसे फ्रेजल वर्ब होंगी जहाँ पे टू प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया जाएगा तो उनके बाद भी हम जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन थे, कांट हेल्प, कांट स्टैंड टू बी वर्थ, इट्स नो यूज, तो इनके बाद भी जेरंड फॉर्म फॉलो होगी, है ना। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। Thank you.